السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक बहुत अहम जुमला है कि जिस जुमले के मुतालिक हम सब मुत्तफक होंगे, यानी इस जुमले को सुन करके हम दिल और दिमाग से इसको तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे कि ये बात बिल्कुल हकीकत है और सच्ची है। वो जुमला ये है कि हम में से हर एक, मैं और आप, घरों पर सुनने वाली माएं और बहनें, हम सब हमारे बचपने को देखे, हमारी जवानी को देखे, हमारी अधेर उम्री को देखे, हम सब इस जुमले को कबूल और तस्लीम करेंगे कि आज इस दौर में फितने और फसाद ज्यादा हैं मेरे जमाने के मुकाबले में। मेरे बचपने में भी फितने और फसाद थे, मसाइल थे, तकालीफ थी, इम्तिहानात थे, लेकिन आज ये इम्तिहानात, ये फसाद, ये फितन बहुत बढ़ गए हैं। आप हजरात इस जुमले को तस्लीम करते हैं कि नहीं करते? हमारी माएं और बहनें भी अपनी जुबान से अपने घरों में कहें कि हां, ये बात हम तस्लीम करते हैं, इसलिए कि ये बात सच्ची है। तो हमारे जमाने के एतिबार से हम सब अपने बचपने को याद करें और हमारी जवानी को याद करें। हमारे बचपने और जवानी के एतिबार से जो फितन और फसाद थे, तो हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत इसके हिसाब से फरमाई है कि जो फितने थे, जो फसाद थे, जो बुराइयां थी, इन फितन को सामने रखते हुए हमारे माँ बाप ने, असातिजा ने, बड़ों ने हमारी तरबियत की।
हर हर जमाने के एतबार से जो फितन थे, इन फितन के एतबार से तरबियत हुई। जब हम सब ये मानते हैं और कबूल करते हैं कि इस जमाने में ऐसे फितने हैं, ऐसे फसाद है कि हमने पहले ये फितन सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, यकीनन हमारा दिल इसको कबूल कर रहा है कि इस जमाने में जो फितने हैं, ऐसे फितने पिछले जमाने में नहीं थे, और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो फितने आने वाले हैं, इस जमाने में जो अभी हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा शदीद फितने आने वाले हैं। वो जुमला भी आप तस्लीम करते हैं? करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब आपसे एक सवाल, हमारी जो तरबियत हुई, अल्लाह ताला ने जो फजल फरमाया, हमारे माँ बाप को अल्लाह जज़ाए खैर दे, असातिज़ा को और बड़ों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला दे, एक मुस्तकिल मेहनत की और हम लोगों की तरबियत फरमाई, तो अब सवाल ये है कि हमारे इस जमाने के बच्चे और इस जमाने के नौजवान, इनके मुस्तकबिल के लिए, इनको जो फितन और फसाद का सामना करना है, तो इनको हमारे मुकाबले में तरबियत की ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत है? ज्यादा। हमें जो डोज दिया है तरबियत का और हमें जो डोज मिला है तरबियत का, एक शिद्दत वाला डोज, तो हमारे इन बच्चों को और इन जवानों को हमें तरबियत बढ़ा कर देनी है या कम करके देनी है? बढ़ा करके देनी है, इसलिए कि ऐसे फितन हैं मेरे भाइयों और मेरी सुनने वाली माएं और बहनें कि जिन फितनों को देखकर सुनकर हम हैरान हैं, अकल काम नहीं कर रही है। तो ये बच्चे और ये हमारे नौजवान, जब हम दुनिया पर नहीं होंगे, तो ये इन फितनों का मुकाबला, इन फसादात का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? और ये फितना जानी माली फितने का सवाल नहीं है मेरे भाइयों। जान चली जाए कोई बड़ा मसला नहीं, माल चला जाए कोई बड़ा मसला नहीं, ईमान का सवाल है, ईमान की फिक्र है। अगर जान चली गई तो हम तो ये यकीन रखते हैं, बचपन से ये पढ़ के चले आए हैं, सुनते चले आए हैं कि हमें इतना ही जीना है जितना रब ने हमारे लिए लिखा है, इतनी ही रोजी हमको मिलने वाली है जो रोजी रब करीम ने मेरे और आपके लिए लिखी है, इससे एक सांस ज्यादा, एक दाना ज्यादा हम न खा सकते हैं न एक सांस ले सकते हैं। तो जान तो देनी है, इसलिए कि जब अल्लाह ने हमको जान दी थी तो लेने के लिए दी थी कि मैं जान दे रहा हूं, लूंगा, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो जान चली जाए कोई मसला नहीं, माल चला जाए कोई मसला नहीं, किसी का सब कुछ लुटा दिया गया, जला दिया गया, इसका रब्बे करीम तो मौजूद है, कल सुबह अल्लाह ताला इसकी रोजी इसको पहुंचाएंगे। हमारी रोजी का जरिया और सबब आसमान से अल्लाह ताला रोजी भेजते हैं, कारखानों से रोजी नहीं आती, दुकानों से रोजी नहीं आती, रोजी आती है आसमान से। और रब्बे जुल जलाल ने कुरान शरीफ में इसका ऐलान फरमाया है। अब बात अलग है कि वहां से उतर कर कौन सी नाली में गुजर करके रोजी हमारी गोद तक पहुंचती है, किसी की रोजी दुकान की नाली से गुजर कर, किसी की रोजी कारखाने की नाली से गुजर कर, किसी की रोजी मुलाजमत की नाली से गुजर कर इसकी गोद तक पहुंचती है। ये अल्लाह के जिम्मे है, मेरी रोजी मुझ तक पहुंचाना ये अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के अलावा कोई ये कर भी नहीं सकता। तो अगर जान चली जाए कोई मसला नहीं, माल चला जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ईमान चला गया तो आज ये दुनिया में जो एक जंग लगी है, जो एक आग लगी है, क्या हमारा ख्याल ये है कि ये जान के दर पे हैं, ये माल के दर पे हैं? इनको न जान की पड़ी है, इनको न माल की पड़ी है, इनका हदफ, टारगेट, निशाना वो ईमान है, इनका हदफ निशाना ईमान है, रात दिन जितना कुछ हो रहा है वो ईमान को कमजोर करने की मेहनत है, ईमान को लेने की, सल्ब करने की
गसब करने की एक मेहनत है। तो अब जब हमारे सामने ऐसा माहौल है जिसको हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, एक सियासतदान ने करीबी जमाने में एक जुमला कहा, और ये सियासतदान आप सब इनको जानते हैं, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता, कौन से मुल्क से हैं उस मुल्क का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। सवाल ये था कि मुसलमान उरूज पर हैं, सवाल ये था मुसलमान उरूज पर है, मसाजिद बढ़ रही है, मदारिस बढ़ रहे हैं, मुसलमानों में चलत फिरत आज भी मौजूद है, तो मुसलमानों को उरूज से हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुसलमानों की इस तरक्की से मुसलमानों को कैसे रोका जाए, क्या हम मसाजिद पर पाबंदी लगाएं, मसाजिद को बंद करने लगें, मदारिस पर पाबंदी लगाएं, मुसलमानों की चलत फिरत पर हम पाबंदी लगाएं। तो वो सियासतदान ने जवाब ये दिया कि मस्जिदों को खुली रखो, मस्जिद को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मदरसों को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों की चलत फिरत को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों को अंदर से खोखला कर दो, मुसलमानों को अंदर से खोखला कर दो, मस्जिद की आमद और रफ्त इनको फायदा नहीं देगी, मदरसों में आना जाना इनको फायदा नहीं देगा, मुसलमानों की चलत फिरत से मुसलमानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान को अंदर से खोखला कर दिया। और मुसलमान को खोखला कैसे किया जाए, मुसलमान को अपने नफ्स का अपने नफ्स को मुसलमान के लिए माबूद बना दो, कि अल्लाह की इबादत करने के बजाय, बजाहिर तो यह नजर आता है मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन दरअसल में हकीकत में मुसलमान अपने नफ्स को पूजने लगे, अपने नफ्स की पैरवी करने लगे, और जिसके नफ्स की तरबियत नहीं हुई है वो नफ्स यकीनन उसको हलाक करके रखेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल खबीथा, जब काफिर की मौत वाकई होती है तो मौत का फरिश्ता यही कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीथा, कि ए खबीस नफ्स निकल, खबीस जान निकल, हलाक होने वाली जान निकल, अल्लाह तुझसे नाराज, अल्लाह की नाराजगी में चल, अल्लाह के अजाब की तरफ चल, क्योंकि वो है नफ्स खबीसा। और जिस नफ्स की तरबियत हुई है ईमान और आमाल में जिंदगी गुजरी है, तो मौत का फरिश्ता सुनाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन, मुतमईन का क्या मतलब, मुतमईन का मतलब यह है कि अभी तेरी मौत वाकई होने वाली है, मौत के फरिश्ते को देखकर, दूसरे आलम के मंजर को देखकर अब तुझे इत्मीनान हो गया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन, ए इत्मीनान पाने वाला नफ्स, इर्जिई इला रब्बिक, चल तेरे रब के पास, फदखुली फी इबादी وادخلي جنتي ارجع الى ربك راضيه مرضيه, ऐसी हालत में वापस चल तेरे रब के पास कि तू तेरे रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। ये कैसे पता चला, फरिश्ते को देखते ही पता चल गया, मौत का फरिश्ता जिस अंदाज में आए, जिस तरीक से जान लेने के लिए आए, जिस एहतिमाम के साथ, जिस एहतराम के साथ, जिस इकराम के साथ आए, ये देखते ही मरने वाला समझ लेता है कि मुतमईन, अब मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मुझे हमेशा हमेशा आराम मिलने वाला है, अब मुझे अल्लाह की जात से हमेशा हमेशा लेना है, अल्लाह ताला मेरी हर जरूरत पूरी करने वाले हैं। क्योंकि मौत का फरिश्ता जिस हालत में, जिस अंदाज में पेश होते हैं, इसी से पता चल जाता है मरने वाले को कि मेरे साथ क्या मामला होने वाला है। हजरत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहु ने बयान फरमाया है कि बहुत सारी हदीसों का यह खुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि नफ्स मुतमईन, जो नेक लोग होते हैं इनकी जब रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते तशरीफ लाते हैं तो 500 फरिश्ते आते हैं मलकुल मौत के साथ, मलकुल मौत के हाथ में जन्नत का एक कफन होता है सब्ज रंग का। दुनिया में तो हम सफेद रंग का कफन पहनाते हैं लेकिन मलकुल मौत अपने साथ सब्ज रंग का, ग्रीन कलर का कफन लेकर तशरीफ लाते हैं। और जो साथ में 500 फरिश्ते हैं, हर एक के हाथ में फूल है जन्नत के, और जन्नत के फूल हैं तो जन्नत की खुशबू है। और फिर वो फरिश्ते आकर के मरने वाले को घेर लेते हैं, मलकुल मौत इसके जिस्म पर हाथ रखते हैं, दूसरे फरिश्ते भी हाथ रखते हैं, और फिर मलकुल मौत ये सुना देते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिक राधियतन मर्दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। सब फरिश्ते अपना हाथ रखते हैं इसके जिस्म पर और फरिश्ते इनको मुतवज्जे कर देते हैं जन्नत की नेमतों की तरफ, जैसे रोने वाले बच्चे को मां बाप बहलाते हैं और दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे करते हैं, तो फरिश्ते मरने वाले को मुतवज्जे करते हैं जन्नत की नेमतों की तरफ, वो जन्नत की नेमतों को देखने लगता है। और यहां फरिश्ते रूह निकालना शुरू कर देते हैं और जल्दी से रूह निकाल देते हैं, जैसे आते में से बाल निकाल दिया जाता है आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ इसकी रूह निकाल दी जाती है। यह है नफ्स मुतमईन और यह है हमारा निशाना, यह है हमारा हदफ, यह है वो जगह जहां हमने पहुंचना है और हमारी औलादों को पहुंचाना है, हमारी मुस्तकबिल की नस्लों को वहां पहुंचाना है। लेकिन ऐसे फितनों में, ऐसे फसादात में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये नौजवान, ये आने वाली नस्लें, अल्लाह ताला इनके ईमान को महफूज रखे। जैसे मेरे पहले जुमले को आप लोगों ने कबूल किया, मैं एक दूसरा जुमला आपको बताने वाला हूं और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप इस जुमले को भी तस्लीम करेंगे। जुमला ये दूसरा ये है कि हमारे जमाने में जब हम सब बचपने में थे और हमारी जवानी में थे तो हमारे सामने हमारी सलाहियत मौजूद थी, जवानों की, नौजवानों की सलाहियतें हमारे सामने थी, है कि नहीं, समझ बूझ अकल, जिस्मानी कुव्वत, अकली कुव्वत, मेहनत फिकर, ये सब चीजें मौजूद थी। ये जुमला अब सुनो, इस जमाने में जो लोग आज हमारी उम्र के हैं, जब हम थे 15-16 साल के, इस जमाने के जो 15-16 साल के बच्चे हैं, इनकी सलाहियत हमारी सलाहियत के मुकाबले में इंतहा कमजोर है। तस्लीम करते हो कि नहीं करते? जब मैंने पहला जुमला कहा था तो सबने आवाज से कहा कि हाँ मानते हैं मौलाना। अब ये जुमला कह रहा हूं कि बहुत कम लोग मान रहे, फिर कह रहा हूं, हमारे जमाने में जो 15-16 साल के बच्चे थे, हर एक अपने बारे में पूछे, इस जमाने के जो 15-16 साल के बच्चे हैं, हमारे जमाने में जो थे, इनकी सलाहियत इस जमाने के 15-16 साल के बच्चों की सलाहियत के मुकाबले में ज्यादा मजबूत थी। आज के 15-16 साल के बच्चे ये सलाहियत और इस्तेदाद के एतबार से हमसे ज्यादा कमजोर हैं। और हम जब 16 साल के थे, हमारे बाप दादा के जमाने में जो 16 साल के लोग थे, इनके मुकाबले में हमारी सलाहियतें कमजोर थी। वो जमाना तो ऐसा था कि 16 साल की उम्र में शादी करा देते थे और बच्चों के बाप होते थे और घराने चलाते थे। हमारे जमाने के 16 साल के लोग न शादी के लायक थे न घर चलाने के लायक थे। इस जमाने के 16 साल के बच्चे मुश्किल से अपने जूतों की रस्सी बांध सकते हैं। कहो इनसे कि गिरा लगाओ, गांठ लगाओ, गिरा उर्दू, गांठ गुजराती, पूछिए इनसे कि गिरा लगाओ, गिरा लगा पाएंगे, गिरा छोड़ो, छोड़ पाएंगे, मुर्गी लाकर इनके सामने छोड़ो कि इसको पकड़, मील दूर भागेंगे। सलाहियतें कमजोर होती चली जा रही है, फितन फसाद बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जरा अंदाजा करो कि मां बाप को अपनी औलाद की कितनी फिक्र करने की जरूरत है। ये तो अकल की, मैं आपको आज मंतिक का सबक पढ़ा रहा हूं, कजिया कजिया
जो उलमा है समझेंगे, ये मंतिक का सबक है। आप लोग समझते हैं मंतिक को, आप लोग नहीं समझते। आप लोग ये समझते हैं कि मौलवी लोगों को हम नहीं पहुंच पाते इसलिए कि वो मंतिक पढ़ के आए हैं। हालांकि मौलवियों से पूछो कि मंतिक क्या चीज है तो आपको जवाब में कहेंगे यजूजुल इस्तिंजाउ बिवरकिल मंतिक। इसका तर्जुमा आपके लिए मैं नहीं करता। तो मंतिक कोई ऐसा फन नहीं है कि किसी को खामोश कर सकते हैं, किसी को लाजवाब करना, ये उलमा को नहीं पढ़ाया जाता। ये आप लोग मंतिक नहीं समझते। मंतिक कहते हैं लॉजिक को, कि दो चीजों को सामने रख करके एक आसान फैसला करना। हमारे सामने दो कजिए आ गए। एक कजिया ये है कि इस जमाने में फितने इतने ज्यादा हैं जो पहले जमाने में नहीं थे। दूसरा कजिया क्या है? दूसरा कजिया ये है इस जमाने के नौजवान, इस जमाने के अधेर उम्र वाले, इनकी सलाहियत पहले जमाने के नौजवान और पहले जमाने के अधेर उम्री के लोगों के मुकाबले में बहुत कमजोर है। तो अब नतीजा निकालो। नतीजा यह है कि जब सलाहियतें इतनी कमजोर, इस्तेदाद इतनी कमजोर, फसाद और फितन इतनी जोर और शोर से आ रहे हैं, तो अब हमें इनको तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जमाने में जो मेहनत हुई वो भी आपके जमाने में, सुफेद दाढ़ी वाले, आपके जमाने में जो मेहनत हुई इससे भी ज्यादा। हर जमाने की मेहनतों को जमा करके अब हमें हमारे नौजवानों पर, हमारी औलादों पर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो तो सही एक मिनट के लिए मेरे भाइयों कि ये फितन कभी हमने सोचे थे कि ऐसा होगा? क्या हमने कभी ऐसा सोचा था कि हमारे बच्चों को ये जहर पिलाया जाएगा, हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा, हमारे बच्चों को ये सिखाया जाएगा, हमारे बच्चों को हमारे ही लोग गलत रास्ते पर हांक कर ले जाएंगे गुमराही की तरफ, जानते हुए कि ये गुमराही का रास्ता है, लेकिन क्यों वो हांक कर ले जाएंगे? क्यों हांक कर ले जाएंगे? क्योंकि इनके जेब में माल आ रहा है, अपने जेबों के लिए, अपने माल के लिए, अपनी शोहरत के लिए। वो उम्मत की औलाद को बर्बाद करने के लिए तैयार और राजी है। अजीब बात यह है कि हम सब ये मांजरा देख रहे हैं, कि हमारे सामने हमारी औलादों को खिला पिला करके गलत तालीम और तरबियत के जरिए से गलत रास्ते पर लिया जा रहा है और ले जाने वाले ले जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इत्मीनान से खामोश बैठे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अल्लाह भला करेगा। अल्लाह तो भलाई का नाम है, अल्लाह तो खैर ही का नाम है, अल्लाह तो भला ही करता है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो याद रखना। तफसीर के सबक में ये बात आ गई कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात 6 दिन में बनाई। और याद रखने वालों को याद होगा कि यौमुस सब्त, हफ्ते के दिन अल्लाह ने क्या पैदा किया? भूल गए। अल्लाह ने कायनात 6 दिन में पैदा फरमाई। तो सवाल है कि अल्लाह इतने बड़े तो अल्लाह ने कायनात बनाने में 6 दिन क्यों सर्फ कर दिए? अल्लाह तो फरमाते हैं इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, कि अल्लाह तो कुन फरमाता है और जो चाहते हैं वजूद में आ जाता है। तो 6 दिन अल्लाह ने दुनिया के लिए सर्फ कर दिए, 6 दिन अल्लाह ने गुजारे दुनिया बनाने के लिए। इसमें सबक यह है कि यह दुनिया जो मैं बनाने जा रहा हूं और जो दुनिया बना रहा हूं, मैं आनन फानन बना सकता हूं, लेकिन तुमको सबक देने के लिए कि दुनिया एक तरबियत की जगह है, दुनिया असबाब की जगह है, दुनिया में जितना कुछ होगा दर्जे बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता होगा, खैर भी जो वजूद में आएगा आहिस्ता आहिस्ता खैर वजूद में आएगा, शर भी जो वजूद में आएगा आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा शर भी वजूद में आएगा। इसीलिए अल्लाह के 99 नाम है। हम अल्लाह ताला को कहते हैं रब, रब्बु समावाती वल अर्थ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। रब्बना जहां पर आप सुनो या पढ़ो रब्बना, ए हमारे रब, रब्बी ए मेरे रब, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल अजीम, मेरे रब, मेरे रब। रब का माना क्या है? तबलीगु शैइ इला कमालिही,
शैअन फशैअन तदरीजन, किसी चीज को वजूद देना और इसके कमाल तक पहुंचाना दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। इसलिए हम अल्लाह को रब कहते हैं। अल्लाह ने हमको वजूद दिया और जिस जहां तक आज हम पहुंचे हुए हैं हमारे रब ने, अल्लाह ने हमको पहुंचाया है। तो अल्लाह ने पूरी कायनात 6 दिन में बनाई ताकि इंसान और जिन्नात जान ले कि ये दारुल असबाब है, यहां कोई चीज आनन फानन नहीं होगी, यहां हर चीज एक सबब के जरिए से एक निजाम के तहत होगी। तो याद रखो हमारे सामने बहुत सारे निजाम हैं, खैर का भी निजाम है, शर का भी निजाम है। लेकिन उम्मीद की बात आपको सुनाऊं कि एक मुसल्लम कायदा है, ऐसा कायदा जो बिल्कुल मुसल्लम है कि हक दबता है लेकिन मिटता नहीं, हक दबता है लेकिन मिटता नहीं। हक को कायम करने के लिए बहुत मेहनत होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत फरमाई। हक दबता है लेकिन मिटता नहीं, बातिल उरूज पर आता है लेकिन रहता नहीं। बातिल अपने बड़े बड़े दांत दिखाएगा, अपनी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाएगी, बातिल आएगा लेकिन बातिल रहेगा नहीं। क्यों? जा अल हक व जहकल बातिल, जब हक आ चुका अब बातिल का कोई क्लास नहीं। जब तकरार होगा हक और बातिल का, अल्लाह ताला बातिल के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ देगा। लेकिन हक होगा तब मुकाबला होगा। अगर मेरे हाथ में पत्थर हो और शीशे की बोतल हो तो पत्थर के जरिए से मैं शीशे की बोतल के टुकड़े कर दूं, अगर मेरे हाथ में पत्थर न हो सिर्फ शीशे की बोतल हो तो शीशे की बोतल के टुकड़े में कैसे करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हक पर खड़ा होना पड़ेगा, हक को तस्लीम करना पड़ेगा, हक को अपनाना पड़ेगा, हक को समझना पड़ेगा, हक के लिए जान माल वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो फिर जब बातिल हमारे सामने आए तो फिर हम बातिल की परवाह नहीं करेंगे कि इसके मुंह में कितने दांत हैं। बातिल के मुंह में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बातिल के मुंह में कितने दांत हैं और कैसे हैं, इसलिए कि हमारे पास वो चीज मौजूद है कि चाहे इसके सैकड़ों दांत क्यों ना हो हक के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत की शक्ल में हक दिया है, दीन की फिक्र और मेहनत की शक्ल में अल्लाह ने हमको हक दिया है। इस हक को अपनाने के बजाय हम कहां लग चुके हैं? हमारी और हमारी औलादों की सलाहियत हम कहां लगा रहे हैं? हम हमारे बच्चों को किस के लिए तैयार कर रहे हैं, हक अपनाने के लिए, हक की इशात और तबलीग के लिए, या फिर बातिल के लिए? हमारे बच्चे आज बातिल से ज्यादा मानूस है और हक से नावाकिफ है। सोकर उठने की दुआ पूछो किसी नौजवान से, इक्के दुक्के को किसी को याद होगी दुआ, लेकिन इसको ड्रग्स की लिस्ट पूछो कि कितने कितने ड्रग्स मिल रहे हैं, वो ड्रग्स की फहरिस्त आपको सुना देगा। हालांकि उसूल की बात यह है, तरकुल बातिल भी तर्क जिक्री ही, कि बातिल को छोड़ो बातिल को याद किए बगैर, कि बातिल एक ऐसी चीज है कि हमें बातिल का तस्किरा करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन किसके लिए? जो हक पर हो, हक पर हो। लेकिन आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है मेरे भाइयों, आने वाले फितने बहुत शदीद हैं, हमारे नौजवानों की इस्तेदाद और सलाहियत इंतहा कमजोर, आने वाले फितने इंतहा शदीद। इन दो चीजों को, कजियों को सामने रख करके अब हमें हमारी औलादों के लिए तैयारी करनी है, इनको सामने रख करके हमें हमारी औलादों पर इनकी तरबियत करनी है। अल्लाह हम सबको हिम्मत और तौफीक इनायत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी और हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को ईमान के एतबार से और आमाल के एतबार से अल्लाह रोशन फरमाए, और अल्लाह ताला पूरी उम्मत की, पूरे आलम में पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक, नशहदु अल्ला इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।